हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ पोटा केबिन कैसे तैयार होता है और इसमें क्या क्या वर्क ये लोग करते हैं, पूरा दिखाता हूँ आपको। मैं अलबुद्दी इंटीरियर्स का ये वर्क चल रहा है इलाहाबाद में और ये पूरी टीम अलबुद्दी इंटीरियर्स वालों की लगी हुई है। इनका पहले भी एक केबिन बना हुआ है वो आप देख रहे हैं, ये केबिन है इनका पहला बना हुआ, इससे भी काफ़ी खूबसूरत ये बनेगा। ये देखिए इधर एक रूम है, ये बेडरूम है पूरा, ये पाउडर कोटिंग एल्युमिनियम बॉम्बे स्लाइडिंग विंडो है और ये एक रूम ये है, अभी इस पर बोर्ड नहीं लगा है और ये जिप्सम फॉल सीलिंग का पूरा जाल बंधा है, इस पर डिजाइनर फॉल सीलिंग होगी जिसे कोप डिजाइनिंग सीलिंग बोलते हैं। उधर साइड बोर्ड लगा है, मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा, ये है ये देखिए बिजली के पॉइंट हैं, ये प्रेस वगैरह करने के लिए या कुछ भी टीवी वगैरह लगा लेते हैं, ये वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है एसी लगाने के लिए। और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने मैन का दिया हुआ है, यहाँ पे मैन बोर्ड लगेगा पूरे रूम का कंट्रोलर। और ये चौखट है, अभी इस पर रेड ऑक्साइड लगेगा फिर पेंट होगा। ये स्टोर के लिए, ये एयर के लिए इन्होंने जगह छोड़ी हुई है। ये देखिए इधर वो बोर्ड लगाया हुआ है इन साइड में, ये पहले ग्लास बोल भरते हैं इधर तब ये बोर्ड लगाते हैं। और ये फैजान भाई हैं, इन्हों का ही पूरा कॉन्टेक्ट है। तो फैजान भाई मज़ा आ रहा है आपको काम करने में? इंशाल्लाह मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। और ये रिजवान भाई हैं, ये अल्लाह बख्शपुर के रहने वाले हैं, ग्लास वूल बहुत टॉप भरते हैं, स्पेशली इन्हें ग्लास वूल भरने के लिए ही बुलाया जाता है। तो रिजवान भाई आप इसे रोकते कैसे हैं ग्लास वूल को? ये पत्ते लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये वाली पत्ते। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बनने के बाद मैं आपको दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट होगा बहुत ही खूबसूरत रहता है और ये लाइट वेट रहेगा पूरा कंप्लीट होने के बाद, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देखना ज़रूर। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को दोस्तों।